प्रॉब्लम सॉल्यूशन का लेकर आए हैं, या जो प्रॉब्लम जो है इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि या जो सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम जो है जिसमें डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास ऑफ KCl सॉल्यूशन इज 1.06 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एटॉमिक वेट जो है सो एटॉमिक वेट जो है सो दिया हुआ है पोटासियम का 39 और क्लोरीन का 35.5। यानी कहने का मतलब कि इस टाइप का जो क्वेश्चन जो बनता है सॉल्यूशन का, इसमें जो है सो हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, यह चीज़ को हम लोग को कैलकुलेट पहले कर लेना का, पहले ये जो सो देख लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है या गिवन डाटा क्या है। तो देखिए चलिए ऐसे क्वेश्चन को जो है सो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ KCl सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ से जो है हमको एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है कि यह जो 1.06 ग्राम से जो दिया गया है यह जो है डेंसिटी है। तो पहले जो गिवन डेटा जो है इसको मैं लिख दूँ, उसके बाद जो है सो इसको हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। गिवन डेटा जो होगा डेंसिटी का दिया हुआ है डेंसिटी 1.06 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर की। तो अब यहाँ से जो डेंसिटी हमको पता है इसके बाद जो है और दिया हुआ है 10% बाय मास। अब ये जो 10% बाय मास का मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो है इसमें वॉल्यूम तो पता है नहीं, यानी कि यहाँ से जो है वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो है सो हमको मास चाहिए। अब यह जो है मास कहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी पता है, मास भी इनडायरेक्टली पता है, तो वॉल्यूम जो है सो आसानी से निकल सकता है। यानी कि यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला जो होता है लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम जब हमको कैलकुलेट करना है तो लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। अब देखिए यहाँ से जो मास की बात जब कर रहा है तो मास यहाँ पर से पता चल सकता है कि यह जो कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास, इसका मतलब कि यह जो है 10% बाय मास कह रहा है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है सो 100 ग्राम इसका मास है, और उस 100 ग्राम में यह जो है सो 10% जो KCl का जो है सो यह लिया गया है वेट। तो 10% जब है इसका ये यहाँ से 10% जब है इसका मतलब है कि जो हमारा इनडायरेक्ट रूप में जो मास जो दिया हुआ है वो 100 ग्राम होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 100 ग्राम, और यहाँ डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ से जब इसको ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दें तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू जाएगा 94.34 सेंटीमीटर क्यूब, यह जो है वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यह जो वॉल्यूम जो आया वो 94.34 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो है यह भी हमको मिल गया, तो अब जो है सो क्या करेंगे, अब हमको जो निकालना है यहाँ से मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए जो है सो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो है यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए यहाँ से जो दिया हुआ है 10, यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे 10। इसके बाद यह जो ग्राम मॉलिकुलर वेट है, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट के लिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl
इसको जब कॉन्फ्रेट करेंगे तो इसका एटॉमिक वेट जो होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसका वैल्यू जो आएगा 0.5 और 4 यानी 74.5। तो यह जो केसीएल का जो है मॉलिकुलर वेट आ गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे 74.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम 94.34 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 14.2 m। इसका मतलब यहाँ से यह जो है मोलरिटी जो हमारा निकलेगा, मोलरिटी 14.2 m, यह इसका आंसर बनेगा। यानी कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में जो है हमें क्या देखना है कि यहाँ से सबसे पहले जो है ये जो मास जो दिया हुआ हो वह मास जो है इसमें छुपा हुआ है, तो इसको जो है सो हमको पहले पता कर लेना है। डेंसिटी हमको दिया हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा क्योंकि मास हमको पता है इनडायरेक्ट रूप में, और ये जो है सो मास पता है तो यहाँ से जो है सो वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो मोलरिटी के लिए यहाँ से जो है सो फॉर्मूला पर प्रूफ कर देंगे, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से करके जो है सो यहाँ से हमको मोलरिटी निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो है सो क्वेश्चन में हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, और उसको निकालने के लिए हमें कौन से फॉर्मूला का यूज करना है या कौन से रिलेशन को कैलकुलेट करना है। चूंकि रिलेशन जब पता चल जाएगा तो फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा और वहां से उसका कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के लिए है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.5 MnaOH एंड 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर जो है सो स्टूडेंट ज़्यादा गलती यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो है सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग जो है सो देखते हैं कि जो मोलरिटी का इक्वेशन जो मिलता है, जैसे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू mr, मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। एक तो इक्वेशन ये मिलता है, दूसरा इक्वेशन जो मिलता है जिसमें हम लोग लिखते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक जो रिलेशन जो मिलता है जिसमें m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये भी एक इक्वेशन मिलता है। दूसरे इक्वेशन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू mr और v होगा, तो इस तरह का इक्वेशन मिलता है। अब इसी इक्वेशन में, चूंकि यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है ये वॉल्यूम भी जो है सो दो है, मोलरिटी एक दिया हुआ है, तो खैर इसमें जो है इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है यदि इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो भी जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो है सो ये चीज दिया गया है, स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, जो कि गलती होने की संभावना ज़्यादा बन जाता है कि एम वन तो दिया हुआ है और वी वन भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो है सो वी टू के जगह पर जो है यहाँ पर जो है सो लिख देंगे 150 मिलीलीटर। लेकिन जैसे 1.150 मिलीलीटर यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत होगा। यह जो क्वेश्चन जो है वी टू का ये वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में जो देख रहे हैं, कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.5 MnaOH। तो सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को जैसे हम लोग लिख लेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे V1 जो दिया हुआ है 250 मिलीलीटर और M1 जो दिया हुआ है, इस M1 में जो है हम लोग लिख सकते हैं जो कैपिटल M मोलरिटी जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो है M1 ये 0.5 m दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमसे पूछ रहा है क्या, तो M2 का वैल्यू पूछ रहा है, M2 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। लेकिन M2 को वैल्यू को निकालने के लिए हमको V2 चाहिए,
तो V2 अब आएगा कहाँ से? तो सबसे पहले जो है V2 निकालने के लिए यहाँ पर जो मिस्टेक जो स्टूडेंट से ज़्यादा होता है वह V2 के जगह पर 150 पुट कर देते हैं, जो कि गलत होगा। यहाँ पर जो है सो यह कहा गया है कि इस सॉल्यूशन में जो 250 मिलीलीटर और 150 मिलीलीटर वाटर को ऐड किया गया, मतलब कि जो पहले का जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.5 था और उसका जो वॉल्यूम जो था 250 मिलीलीटर था। लेकिन अब जो है उसमें वाटर कितना ऐड कर दिया गया, 150 मिलीलीटर। तो जब 150 मिलीलीटर जब वाटर को ऐड कर दिया गया है, इसका मतलब है कि यह सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। और जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जब हो गया तब जो है इसका मतलब है कि आफ्टर मिक्सिंग ये टोटल वॉल्यूम जो बनेगा वही टोटल वॉल्यूम जो है सो V2 होगा। तो यहाँ से जो है सो हम लोग लिखेंगे टोटल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूटेड 250 प्लस 150 मिलीलीटर, इसका मतलब है यह 400 मिलीलीटर जो बना, यही 400 मिलीलीटर V2 का वैल्यू आएगा। यहाँ से लिखेंगे V2 जो बनेगा 400 मिलीलीटर। अब यहाँ से जो ये वैल्यू जो है सो हमारा आ गया 400 मिलीलीटर। अब इसको आसानी से M2 निकाल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं M1V1 = M2V2। अब यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे M1V1 / V2। अब M1V1 का वैल्यू जो है सो दिया हुआ है M1 0.5 और into 250 / 400। अब देखिए यहाँ से जो है इसका सिंपल कैलकुलेशन के लिए यहाँ से वन डेसिमल ये पॉइंट है, इसको हटाने के लिए यहाँ से जीरो को माइनस हटा देंगे और इसके बाद इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वैल्यू जो आएगा 125 / 400। अब जब 125 / 400 जब इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.3125 N। यह जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो बन रहा है कि यह जो टोटल वॉल्यूम जो हम लोग लिए हैं वह आफ्टर मिक्सिंग यानी वाटर को ऐड करने का, मतलब कि सॉल्यूशन जो है डाइल्यूटेड हुआ। तो इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो है यहाँ से M2 का वैल्यू जो है सो निकल गया और यहाँ से इसका वैल्यू आया 0.3125। तो इस पर जो मेन जो फोकस करना है कि इस इक्वेशन या जो क्वेश्चन में जो है सो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में जो है सो यहाँ पर जो कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर दो तरह का वॉल्यूम को दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो V2 जो पूछ रहा है वो V2 जो है वह टोटल वॉल्यूम होगा जिसमें जो है सो 250 मिलीलीटर प्लस 150 मिलीलीटर ये दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम जो बनेगा वही जो है सो इसका V2 होगा। तो यहाँ से जो है सो हम लोग निकाल सकते हैं M2 और M2 का वैल्यू जो है 0.3125 होगा।